अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। जो रियासत आप कायम करना चाहते थे, काई कबीले से जिस इत्तेहाद के आप ख्वाहिशमंद थे, सब कुछ खुद ब खुद आपके हक में हो रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं आयतुलन? इन बातों का यही असल वक्त है मेरे सरताज। अगर इन मुश्किल हालात में हमने बरवक्त फैसले ना किए तो काई कबीले जैसा हाल होगा हमारा भी। मुझसे क्या चाहते हो तुम? दोस्ती के अलावा मुझे तुमसे और कोई भी गर्ज नहीं है तुर्क। ये क्या हो गया? तुर्क होता मेरे बच्चे। हौसला करो बेटा, संभालो अपने आप को। तुम्हें तो फख्र करना चाहिए इसके शहीद होने पे। लाओ मुझे तो इसे तुर्कत। मेरी बच्ची, तुमने शहादत पाई है। मेरी बच्ची, ये शान, ये शर्फ दोनों जहानों में तुम्हें रोशन रखेगा। तुम्हें जन्नत में आला मकाम मिलेगा। हक अदा कर दिया तुमने मेरी बच्ची। बस मेरी बच्चे, बस सब्र करो, संभालो अपने आप को मेरे बच्चे। आज से आप मेरे बाबा हैं और मैं आपकी आईकिस हूँ बाबा। आई किसकी तरह अपनी बेटी समझेंगे ना बाबा? मैं आपकी आई किस हूं ना बाबा? या अल्लाह, ये सब क्या माजरा है भाई? भाई
होश में आओ दुआन, होश में आओ। तुम जानते हो उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज भी नहीं मानेंगे। काबू करो खुद को, हौसला रखो। वो काफिर नौयान यही था। इन लोगों पर जब तक ये जुल्म करने वाला जिंदा है तब तक सांस लेना भी हराम है हमारे ऊपर। मंगोलों के जुल्म ने हर तरफ पंजे गाड़ लिए हैं। उनका खौफ उनकी आमद से पहले पहुंच जाता है। मासूमों पर भी रहम नहीं आता जालिमों को। भाई, कोई निशान नहीं मिला। पानी लेके आओ, अभी लाया। जल्दी ये तो भाई की है। भाई 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 भाई, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को। भाई भाई को मार दिया, मेरा भाई। अल्लाह का इंसान पर सबसे अजीम एहसान आज समझ गया हूं मैं, समझ गया हूं हायमा बहन, औलाद के हाथों अपनी कब्र में उतरना कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन मेरे मुकद्दर में अपनी औलाद को दफनाना लिखा है। दोनों बेटों के बाद अब मैं अपनी बच्ची को दफना रहा हूं। बहुत सफर किया हमने साथ, और जहां भी गए हमने जानों की कुर्बानी दी। और मेरा दिल कहता है कि ये सरजमीन जिसे हमने अपना लहू दे के जरखेज किया है हमारी आने वाली नस्लों का घर होगी। हमने तो सर्द कर्म झेल लिए दमीर भाई, लेकिन अब हमारी नस्लें बहार देखेंगी।
दुरुस्त कहा आपने आयमा बहन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं अपना वजूद जिंदा दफना चुका हूं, बस मौत का इंतजार है, रिहाई मिल जाएगी कैद से। अब मुझे कोई दुख नहीं हरा पाएगा क्योंकि मैंने अपने जिगर के टुकड़े अपने हाथों से सुपुर्द खाक किए हैं। अब आप कबीले को इस अंधेरे से कैसे निकालेंगे? अब क्या होगा हायमा बहन? पूरे कबीले वाले मेरी जबान से निकले अल्फाज पे भरोसा करके बैठे हैं, तो मैं इनके सामने अपनी औलाद का गम कैसे बयान करूं? तमीर भाई, मेरा दर्द मेरे दिल में ही रहेगा। मैं अपने लोगों की खातिर अपने आंसू पी लूंगी। हमने बुजुर्गों और हमला खवातीन को आर्जी तौर पर खेमों में मुंतकिल कर दिया है। और शहदा के हवाले से क्या इंतजामात हैं हमारे? जिस मकाम पर जंग हुई थी उसी जगह पर शहीदों की तदफीन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शाम में नमाज जनाजे की अदायगी के बाद शहीदों को वहीं दफना दिया जाएगा। और जख्मियों की क्या सूरत हाल है आरतुक? मस्जिद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, मर्दों और औरतों को अलहदा इंतजाम किया है जहां उनकी मुनासिब देखभाल की जा रही है। बहुत खूब, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप सब जानते हैं कि हमने खाई कबीले को दिल से खुशामदीद कहा और उन्हें पहाड़ों पर बेयारो मददगार नहीं छोड़ा और मुश्किल वक्त में साथ दिया। लेकिन हमारा क्या होगा सरदार, ऐसा कब तक चलेगा? हमारा फर्ज है कि मजलूम भाइयों का साथ दें। हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। असल मसला ये है, हमारी जंगी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए अगर मंगोलों ने हम पर हमला कर दिया? इस पर गौर कीजिए, सोचिए। सादतीन को बेग ने यह इतला भेजी है आका, सुल्तान अलाउद्दीन बहार के मौसम में ओबूस कबाइल को मुत्तहद करके आप पर हमला कर देगा। अलाउद्दीन खुद को बहुत होशियार समझता है, मगर ये दुनिया हमारी है काराबे। चंगेज खान के बेटों ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और अब उनका रुख इसी जानिब है। क्या हुआ बेटा? वालिदा हलीमा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने भाई को साथ नहीं ला सका। अपने
शहीद हो गया। नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे बेटा? उन्होंने उसे जला दिया, सबको जिंदा जला दिया जालिम। सुल्तान अलाउद्दीन को मैं सबसे बड़ा दशका अर्तुरल के जरिए लगाऊंगा। कैसे? अगर अर्तुरल मेरी बात मानने को तैयार हो गया तो मैं उसको अनातोलिया का अमीर बना दूंगा, लेकिन उसकी लगाम मेरे हाथ में होगी, फिर अलाउद्दीन को झुकाना मुश्किल नहीं होगा। अर्तुरल आ गया है जनाब। बांध दो और इस लड़की को नोयान के लिए तैयार करो, जल्दी।
अल्लाह आपको सबर दे आयमा खातून। बहुत अफसोस हुआ। मुझे बहुत दुख है हलीमा। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। हर बार दुआ करती थी सफर पे जाने से पहले कि कोई पत्थर राह में ना आए, छू ना सके आपको गर्म हवा। लेकिन हवा और पत्थर तो कुछ ना कर सके। उन सालिमों ने मेरे शोहर को जिंदा जला दिया। अर्तुरुल की मौत का इंतकाम जब तक नहीं ले लेते, सुकून से नहीं बैठ सकते हम लोग। ऐसा ही होगा बेटी। अर्तुरुल सिर्फ मेरी बहन हायमा का ही बेटा नहीं था, बल्कि वो मेरी भी औलाद की तरह था। अगर उसकी मौत का इंतकाम मैं उनसे न ले सका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। खूबसूरत आंखों में खौफ अच्छा नहीं लगता। लड़के की जिंदगी अजीज है तो खाने के वक्त कोई होशियारी मत करना। नोयान ने अपना गुस्सा उस पर निकाला तो अफसोस होगा तुम्हें। Oh!
मेरे पड़ाव में खुश आमदीद अर्तुरुल। खाना खाओ। तो तुमने सलीबियों को शिकस्त दी, हलब के अमीर अल अजीज को दोस्त बनाया, सलजो खानदान की बेटी से शादी करके उनसे ताल्लुक कायम किया, और तुमने बहुत बेदर्दी से मेरे कई बहादुर जवानों का खून बहाया। सच है ना? तुम वो बदजात हो जो खवातीन की बेहुर्मती करता है, बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारता है और फिर अपनी इस शैतानियत पर फख्र भी करता है। ठीक पहचाना तुमने अर्तुरुल, हम जंगल की आग की तरह हैं, अगर एक दफा आग लग जाए तो उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है, अच्छा हो या बुरा राख हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी रियासत कायम होने जा रही है हमारे हाथों। चंगेज खान ने आधी दुनिया फतह कर ली है और जो बच गई है उस पर हमारा कब्जा होगा, और ऐसा अजीम मकसद हासिल करने के लिए चंद जानों की कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी रियासत एक ऐसा दरख्त है जो बेसमर है, इसे जमीन से उखाड़ दिया जाएगा और सूरज की तपिश से झुलसा देगी। इस दुनिया को सिर्फ तुम्हारा जुल्म याद रहेगा, तुम्हारी सल्तनत किसी को भी याद नहीं रहेगी, और अंजाम यह है कि तुम लोग पागल कुत्ते की तरह खुद को भी काट खाओगे एक दिन। उम्मीद है कि ये कुत्ता तुम्हारे प्यारों का शिकार नहीं करेगा जैसे कि तुम्हारी माँ हायमा, भाई गुंदोगदू और तुम्हारी बीवी हलीमा सुल्तान। तुमने अपनी तरह एक जंगजू औरत से शादी की है और वो इस वक्त तुम्हारे मामू कोरकुत के कबीले में मौजूद है, मगर क्या फायदा? सलजू खानदान की बेटी हलीमा सुल्तान के पास अब गिनती के चंद दिन बाकी रह गए हैं, शायद ये सर्दियां और जी ले। अगर तुम दुश्मनी चाहते हो हमसे तो याद रखना कि जल्द या बदेर उनको भी इस जंग का हिस्सा बनकर कुर्बान होना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा पूरा खानदान। बहुत अफसोस, बहुत अच्छे देर दूर बहुत अफसोस, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। ये तलवार तुम्हारे बेटे की है, आ
नीमा, आंखें खोलो। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। सदा बना मंत्र हो इंशाअल्लाह। क्या बात है, साफ बात करो, अब तक तुमने जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे जैसे बहादुर जंगजू को मारने का मुझे कोई फायदा नहीं, हाँ जिंदा रखने का फायदा हो सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारी मौत का फरिश्ता हो सकता हूं नोयान। तुम्हारी माँ, बीवी और कबीले के इतने सारे लोगों की पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी देखने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम हकीकत को समझो और हमारा साथ दो। हमारे साथ रहो, साथ चलो, साथ लड़ो मिलकर। हमारे जालिम का साथ नहीं दे सकता। बच्चों को कत्ल करना हमारे लिए बायस फख्र नहीं, बायस शर्मिंदगी होता है नौजवान। हम इज्जत के लिए जीते हैं। हम जानते हैं कि तुमने सलीबियों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा की हैं। हम तुम्हें इतना जानते हैं जितना खुद को जानते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। उसकी मौत के बाद तुम लोग बिल्कुल तन्हा रह जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने कबीले और खानदान की हिफाजत का एक मौका दे रहा हूं। या तो तुम हमसे हाथ मिलाकर दोस्त बन जाओ हमारे, या फिर हमारे दुश्मनों की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। फैसला सोच समझ कर करना। पहले हम जरा इस खाने से और मशरूब से लुत्फ अंदोज हो लें, उसके बाद सुकून से गुफ्तगू होगी। मेरे बचपन से हम चंगेज खान की फौज के खिलाफ सफा रहे हैं। मरते देखा है मैंने अपनों को, अपने सगे भाई सुंगुर तकीन को खोया है, और तुम आज दोस्ती की बात कर रहे हो मुझसे। जब तक आखिरी सांस है मुझ में, मुझसे दोस्ती का सोचना भी नहीं। सुंगुर तकिन, मैंने ऐसा बहादुर जंगजू अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा कभी। हमारा साथ देकर उसने अपनी जहानत को साबित किया है। फिलहाल तो वो एदे के शाना बशाना लड़कर अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहा है। घटिया जंगजू तो तुम थे ही नौजान, लेकिन बदतरीन झूठे भी निकले। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। सुंगुर तकिन बाहर में मंगोल फौज के हमरा यहां पर होगा। अब जाकर मेरी बात पर गौर करो। अगर मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि तुम में जरा सी भी इंसानियत है, तो इस लड़की को मेरे साथ रहने दो।
अगर कभी दोनों कबीलों के दरमियान इख्तलाफात हो जाएं, तो ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जिसके पास जंगजू होते हैं वही ताकतवर तस्वीर किया जाता है। दोनों कबीलों को सम होना चाहिए, वरना दुश्मन के लिए हम दोनों ही तरने वाला साबित हो सकते हैं। और जालिम मंगोलों से हर हाल में हमें अपना इंतकाम लेना चाहिए, वरना ये लोग अपना गम कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसा लगता है कि दिली दमीर को मेरी सलाहियतों पर शक है। कोई जंगजू बचा है आपके पास? कमान किसे सौंपेंगे?